जय हिंद दोस्तों, आज हम लार्ज कैप स्टॉक डाबर के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले पिछली बार हमने डाबर पे स्टडी कब की थी, वो था 8 मार्च 2021, वीडियो नंबर 132। और तब हमने स्टडी की थी तो हमारे सामने टारगेट आए थे 570 से 600 के। सो मैं आपको यहाँ पे अपडेट देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज से 2 सेशन पहले, दैट इज 15 अप्रैल, जी हाँ 15 अप्रैल को एग्जैक्टली स्टॉक ने जो अपना पहला टारगेट हिट कर दिया 570 रुपए का। और स्टॉक ने जो हाई लगाया वो क्या था, हाई लगाया था दैट वॉज अराउंड, आप देख सकते हैं 577, जी हाँ 577 का एग्जैक्टली हाई लगा दिया। सो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ कीजिए, स्टडी कीजिए किस तरह से स्टॉक बिहेव कर रहा है, कौन से चार्ट पैटर्न्स में जा रहा है। इससे होगा ये, लेवल्स निकालना आसान हो जाता है एंड आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। एंड आज हम फिर से पूरी तरह से स्टडी करेंगे और लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले डाबर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सीएलएसए की तरफ से, और वो अपडेट कब का है देख लीजिए, 12 अप्रैल 2021 का। और अपडेट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या है, एचयूएल, आईटीसी, डाबर, वरुण बेवरेजेस, बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने अपडेट दिया है। डाबर के ऊपर क्या अपडेट दिया है वो मैं आपको बता, वो पढ़ लेता हूँ। द ब्रोकरेज फॉर्म रिटेन्स इट्स सेल रीडिंग फॉर टाइटन हैवेल्स, इट हैज सेट अ प्राइस 2925 पर शेयर फॉर एचयूएल, 275 फॉर आईटीसी एंड ₹650, आप पढ़ देख लीजिए, 650 फॉर डाबर, जी हाँ 650 रुपये का टारगेट उन्होंने बताया है डाबर के लिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही माफ कीजिएगा, कंसोलिडेशन भी एंड साथ ही बहुत ही लेजी स्टॉक कहूंगा, अगर आप में पेशेंस होगा तो ही स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। अब फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, डाबर इंडिया लिमिटेड मार्केट कैप तकरीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर का, स्टॉक की पीई 64 और 52 वीक लो 421 और हाई 582। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे चेक करेंगे सारे नंबर को क्रोर्स में, तो आप देख सकते हैं हर साल धीरे धीरे कम करके कंपनी ग्रो हो रही है, 493 करोड़। यहाँ पे मार्च 2020 में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी 352, बट फिर से बाउंस बैक 417, 569 एंड 574। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट जून मार्च में देखने मिली, फिर से अपने जो अपना जो रास्ता था ग्रोथ का उसी पे लगा हुआ है स्टॉक, 424, 590, 591। फिर नेट प्रॉफिट 342, 482, 492। ईपीएस भी आप देखे 1.6 था, 1.93, 2.73, 2.78। सो आप समझ रहे हो धीरे धीरे कंपनी जो है आगे की तरफ ही निकल रही है। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर कर्ज अराउंड 444 करोड़, ये कुछ भी नहीं है। और एसेट्स कितने हैं, अराउंड 10,275 करोड़ के। सो 1 लाख करोड़ का तो सिर्फ मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ का, 10,275 करोड़ के एसेट्स है, उसके सामने मामूली सिर्फ 444 करोड़ का कर्ज। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 67.38%, एफआईआईज 19.77%, डीआईआईज 5.34% और पब्लिक के पास काफी कम 7.51%। मैं हमेशा देखता हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स जो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं और उनके पास पेशेंस नहीं होता है। और उनका कैसा होता है, मैंने आज पैसे डाले मुझे आज ही रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं होता। रिटर्न आपको कब मिलेगा, जब आप इन्वेस्टेड रहोगे स्टॉक का, आप टाइम दोगे तब धीरे धीरे रिटर्न बनेंगे। अब मंथली बेसिस पे चार्ट को स्टडी करेंगे एंड चार्ट को स्टडी करने के लिए एक बेसिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ पे देखने क्या मिल रहा है, स्टॉक का जो ट्रेंड था, जी हाँ थोड़े दिनों के लिए बीच में ट्रैक चेंज किया था स्टॉक ने, बट स्टॉक जो है फिर से अपने पुराने ट्रेंड के ऊपर निकल गया है। अब चार्ट पैटर्न को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक ने यहाँ पे लगा दिया क्या, एक ट्रायंगल, स्टॉक ने लगा दिया एक ट्रायंगल, और आगे जाएंगे स्टॉक ने यहाँ पर लगा दिया एक कर्व, स्टॉक ने यहाँ पे क्या लगा दिया एक कर्व। आपको भी जहाँ पर जो जो समझ में आता है वो सारी चीज़ों को ड्रॉ करना शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा स्टॉक कौन से पैटर्न में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए स्टॉक एक चैनल में काम कर रहा था इसमें, फिर वहां पर गिर गया, नीचे आ गया, और आगे जाएंगे तो देखने क्या मिल रहा है, स्टॉक ने यहाँ पर एक अपनी कर्व पैटर्न खत्म कर ली यहाँ पर, और आगे जाएंगे क्या देखने मिल रहा है, हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे स्टॉक ने और एक अपनी जो बड़ी सी एक कर्व लगा दी यहाँ पे इस तरह से, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर भी स्टॉक जो है रिटर्न में किस तरह से गया, एक सिंगल चैनल यहाँ पे देख लीजिए, सिंगल चैनल में नीचे चला गया एंड फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर आ गया, और यहाँ पर भी एक छोटा सा कर्व यहाँ देख लीजिए कर्व, और स्टॉक जो है सीधा निकल गया फिर ऊपर की तरफ। अब पिछले दिनों की चार्ट की पैटर्न कैसी है वो समझना इंपॉर्टेंट है, और पिछले दिनों की चार्ट पैटर्न आप समझेंगे इस पैटर्न इससे, ये देख लीजिए स्टॉक जो है यहाँ पर एक ही चैनल में ऊपर की तरफ जा रहा है, जी हाँ एक ही चैनल में ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। अब ये जो भी लेवल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, जी हाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग की बात इसमें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अब
स्टॉक के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो कौन सा है सबसे पहले, और वो है ये जो पिछले सेशन में स्टॉक ने बनाया है 582। यस 582 स्टॉक का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तब जो है नेक्स्ट फायरवर्क देखने मिलेगा 582। इसको 582 जो है इसे आप अपने फोन में सेट कर लीजिए अलर्ट सेक्शन में जाके 582। ये आपको फीचर अगर आप मनी कंट्रोल ऐप ज्यादातर लोग यूज करते हैं वहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है 582। अब स्टॉक अगर किसी कारण नीचे गिरता है तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप कौन से लेवल के आसपास खरीद सकते हो, वॉलिटिलिटी होती है गिरावट होती है, तो सबसे पहला लेवल है 550 एंड और गिरता है 520, 550, 520 इन लेवल के आसपास आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक को जो है कलेक्ट कर सकते हो। अब 582 को अगर स्टॉक निकाल देता है तो आने वाले दिनों में एंड आने वाले समय में जो लेवल्स देखने मिलेंगे वो है सबसे पहला 610, नेक्स्ट 640, 610 रुपये आने वाले दिनों में एंड आने वाले महीनों में 640 तक जो है स्टॉक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। यहाँ पर जो है कुछ ऐसा भी सीन बन सकता है यहाँ पर स्टॉक जो है कुछ समय से कंसोलिडेट करें एंड फाइनली स्टॉक जो है यहाँ पर एसेंडिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न है, एसेंडिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न है उसके ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो ये है कुछ बेसिक और सरल भाषा में एनालिसिस डाबर इंडिया के बारे में। अगर पोजिशन है या बनाने का प्लान कर रहे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए नोट जरूर कीजिएगा। एंड ऑल्सो और एक चीज बताना चाहूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, ये सारे लेवल्स मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिए हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं। एंड अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक चाहिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे वीडियोस में, एफडी से ज्यादा रिटर्न दे, जहाँ आपकी कैपिटल सुरक्षित रहे, तो डाबर इंडिया लिमिटेड ये स्टॉक आपके लिए है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरी कोशिश होती है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी जाए ताकि पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपको क्लियरली दिखे एंड आपको पूरा नॉलेज हो उस स्टॉक के बारे में। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।